हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, प्रमोशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ हमने इस चैनल पर लॉ के लेक्चर्स डिलीवर करने का सोचा है। विद इन 2 to 3 days अब मैं लॉ के लेक्चर्स भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप यदि लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ ADM। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो SDM के बारे में बनाया था, SDM SDO के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आज का जो जॉब प्रोफाइल रहेगी या जो वीडियो रहेगा वो रहेगी जॉब प्रोफाइल ऑफ ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसको जनरली हम 5 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सेकंड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल, थर्ड पॉइंट रहेगा प्रमोशन, फोर्थ पॉइंट रहेगा सैलरी, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट रहेगा पर्क्स या सुविधाएं। जो पहला पॉइंट रहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर SDO व SDM के पद से पदोन्नत होकर बनते हैं। एज़ यू नो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था कि जो SDM या SDO होते हैं, यही प्रमोट होकर ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी SDM SDO भी 8 से 12 साल में पदोन्नत होकर ADM या एडिशनल DC बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, यदि आपको कलेक्टर बनना है तो या तो आप राज्य सरकार के द्वारा PCS जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर आप SDM बनते हैं, फिर 15 से 20 साल के अंदर आप IAS बनते हैं, और एक UPSC CAC डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें आप सीधे IAS बन सकते हैं। तो उसी प्रकार जो राज्य सरकारें होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो जो PCS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसके अंदर वो SDM या SDO की भर्ती करती है, तो ये जो SDM या SDO होते हैं वो 8 से 12 साल के बाद में, आफ्टर 8 to 12 years, ये वैरी करता है स्टेट्स पे और प्रमोशंस पे, तो फिर वो 8 से 12 साल के अंदर ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं। जो IAS IAS सीधे UPSC CAC परीक्षा देकर आते हैं, वह भी प्रोबेशन पीरियड में ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर 2 से 3 साल कार्य करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, या तो आप स्टेट के द्वारा चुन के आएंगे या फिर आप डायरेक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके थ्रू आएंगे। तो जो UPSC CAC एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट IAS आते हैं, वो एज अ प्रोबेशन पीरियड के अंदर पहले SDM या SDO के पद पर काम करते हैं या असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर कार्य करते हैं, उसके बाद वह ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर 2 से 3 साल कार्य करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या CDO, DDO, CEO जो कि जिला परिषद के होते हैं या फिर कोई कॉरपोरेशंस के होते हैं, या फिर जॉइंट कलेक्टर का कार्य बहुत फैला हुआ है। जी दोस्तों, इनका जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है। ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, CDO, DDO, CEO एक ही रैंक पोस्ट के अधिकारी हैं, इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ADM का फुल फॉर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, हिंदी में इन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि उपखंड के मजिस्ट्रेट होते हैं, और जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिले के मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी प्रकार ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो DM के अतिरिक्त कार्य करते हैं, यानी DM का जो काम होता है, यदि DM वहाँ पे नहीं है, जिले के अंदर नहीं है, या फिर वह पोस्ट वैकेंट हुई है कुछ समय के लिए, तो ADM उसका इंचार्ज संभालते हैं, या फिर ADM जो मतलब इन्फीरियर लेवल के काम होते हैं IAS के कंपैरिजन में, तो वो ADM हैंडल करते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैंडल करते हैं। फिर CDO का फुल फॉर्म चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, हिंदी में इन्हें मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं। जी दोस्तों, CDO स्टैंड फॉर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में कहेंगे मुख्य विकास अधिकारी। जैसा कि आपको पता है, BDO होता है, BDO है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि स्टेट PCS के ऑफिसर होते हैं। ये BDO हैं, ये फिर सबऑर्डिनेट रहते हैं CDO और DDO के। DDO का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, हिंदी में ना जिला विकास अधिकारी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो पहले आजकल जो हमारे राजस्थान के अंदर हायरार्की है वो ये है कि पहले आप VDO होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, फिर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, BDO खंड विकास अधिकारी, देन फिर DDO होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद होते हैं CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जो CEO पद होता है, ये जिला परिषद के अंदर होता है,
जो जिला परिषद होती है, जैसा कि आपको पता है पंचायती राज के अंदर पहले सरपंच होते हैं, फिर आपका प्रधान होता है, फिर आपका जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो जिला प्रमुख को चुनते हैं। तो इसकी जो एग्जीक्यूटिव काम होता है उसका जो चीफ होता है वो होता है IAS लेवल का ऑफिसर, या कई जगह PCS लेवल के ऑफिसर होते हैं जो ADM या उससे ऊपर के रैंक के होते हैं। ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या CDO या DDO या CEO या फिर जॉइंट कलेक्टर STS के अधिकारी हैं। एज यू नो कि जो हायरार्की होती है जो UPSC CSE के ऑफिसर्स हैं उसके अंदर जूनियर टाइम स्केल होता है, सीनियर टाइम स्केल होता है, फिर HAG होता है, JAG होता है, HAG प्लस होता है, एपेक्स स्केल होता है, फिर ये स्केल जो है वो STS का है। आप मुझे बताइए कि इनके इक्विवेलेंट पुलिस के अंदर कौन सी रैंक है या कौन सी पोस्ट हैं। ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, CDO, DDO, CEO, जॉइंट कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट डेप्यूटेशन पर डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर स्थापित होते हैं। एज यू नो कि जो डेप्यूटेशन सिस्टम होता है हमारी कंट्री के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर, कि आप यदि किसी ज़िले में पोस्टेड नहीं हैं या फिर कोई आपको जो आपका काम है ऑफिशियल काम है वो नहीं करते हैं तो फिर आप डेप्यूटेशन पर कहीं और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा प्रमोशन या पदोन्नति। ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, CDO, DDO, CEO, जॉइंट कलेक्टर के पद पर प्रोबेशन के तौर पर IAS अफसर 2-3 साल के कार्य करते हैं, उसके बाद ये प्रमोट पदोन्नत होकर कलेक्टर या DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं। जो दोस्तों जो डायरेक्ट IAS आते हैं UPSC के थ्रू वो 2 से 3 साल तक SDM के पद पर कार्य करते हैं और 2 साल ADM के पद पर कार्य करते हैं, फिर वह IAS बन जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं। फिर देखेंगे ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, CDO, DDO, CEO, जॉइंट कलेक्टर जो कि PCS या PSC की परीक्षा देकर आते हैं, वह 8 से 13 साल तक कार्य करते हैं, वह ADM के पद पर 8 से 13 साल तक कार्य करते हैं, उसके बाद ये कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM बन जाते हैं। यानी जो PCS से आया है उसको एटलीस्ट 16 से 25 साल लगेंगे IAS बनने में, और जो डायरेक्ट IAS आए हैं वो विद इन 5 ईयर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा सैलरी या तनख्वाह के बारे में। राजस्थान सरकार का उदाहरण ले तो ADM, CDO, एडिशनल कलेक्टर की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। ऑल ओवर इंडिया यदि वो IAS है तो भी यही तनख्वाह होगी, चाहे आपकी कहीं पोस्टिंग है। PCS के कुछ जो पे स्केल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स लेवल 7 CPC सेंट्रल का L11 रहेगा, मैट्रिक्स लेवल 7 CPC राजस्थान का L16 रहेगा, ग्रेड पे 6600 रहता है जो कि इंक्लूडेड नहीं है सैलरी के अंदर 7 CPC में। उसके बाद एंट्री बेसिक पे रहेगी वो 67,700 रहेगी। जैसा कि आपको पता है यदि एक SDM 10 साल कार्य करके ADM बनता है तो उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और जो डायरेक्ट IAS होते हैं ये फिर 56,100 से डायरेक्ट प्रमोट होकर 67,700 की स्केल में आ जाते हैं, तो इनकी सैलरी कम होगी क्योंकि इनकी लेंथ ऑफ सर्विस भी कम होती है। अब सैलरी जानते हैं, मूल वेतन या बेसिक पे रहेगा 67,700 67,700 रुपीज़। उसके बाद इन्हें महंगाई भत्ता DA मिलता है वो 17% जो अभी रेट चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी वही रेट है, सेंट्रल के अंदर भी वही रेट है। यदि आपको नहीं पता DA क्या होता है, और DA भी फ्रीज भी हो चुका है यानी DA बढ़ेगा नहीं अगले 1-1.5 साल के लिए, तो इन दोनों पर मैंने डिटेल की वीडियो बना रखे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फिर CCA होता है, CCA स्टैंड फॉर सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस जो कि 320 रुपये होता है हमारे स्टेट के अंदर। यदि सिटी कोई ये भी वैरी करता है सिटीज़ पे, यदि सिटीज़ हाई ATPT सिटीज़ है तो वहाँ पे CCA ज़्यादा होता है। फिर ग्रॉस सैलरी रहेगी वो करीबन 80,000 रुपये रहेगी, 80,000 कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये कुछ स्टेट्स में वैरी कर सकती है बिकॉज कि यदि कोई ADM के कहीं बंगला नहीं दिया गया तो वो यू कैन क्लेम द HRA हाउस रेंट अलाउंस, वो क्लेम कर सकते हैं। फिर डिडक्शन जानेंगे, डिडक्शंस यूजुअली 16,000 रुपये के होते हैं 16,000 के, और डिडक्शंस में PF डिडक्ट होता है 7,900 रुपीज़ 7,900। फिर SI स्टेट इंश्योरेंस डिडक्ट होता है 3,000 रुपये। फिर IT इनकम टैक्स 5,100 के करीब डिडक्ट होता है, यदि कोई और एग्जम्पशंस ले रखे हैं इनकम टैक्स के अंदर तो इनकम टैक्स कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी जो नेट सैलरी होती है एक ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वो होती है 64,064,000 रुपये के करीब, इसमें भी कुछ वैरी हो सकता है 2-5 हज़ार का, वो स्टेट पर वैरी डिपेंड करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट जानेंगे पर्क्स टू ADM या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बंगलो होता है वो 90% केसेस में मिल जाता है ADM को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। फिर गवर्नमेंट व्हीकल होता है सरकारी गाड़ी, वह भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करवा देती है। फिर ड्राइवर होता है, ड्राइवर इन्हें मिलता है इनकी गाड़ी में, ये भी राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर गनमैन होता है जो कि यूजुअली पुलिस के कॉन्स्टेबल्स होते हैं।
और फिर ADM ऑफिस एट कलेक्ट्रेट। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि आप कलेक्ट्रेट में जाते हैं तो वहाँ पे एक DM का ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कार्यालय, और उसी के बाजू में उसके पास में ही ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कार्यालय होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कार्यालय होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।